मैं नहीं समझता हूँ। कुछ जिले तो ऐसे हैं जैसे एटा है, कासगंज है, कन्नौज है, फर्रुखाबाद है, इटावा है, मैनपुरी है, फिरोजाबाद है, इनमें और कानपुर देहात है, नहीं जीतने जा रहे एक भी। और शेष जगह भी हमारा बहुत अच्छा है। तो हम लोग काफ़ी आगे, अब इतनी बढ़त बना ली है कि बीजेपी लाख कोशिश करने के बावजूद उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकती, वो मीलों पीछे। बताया जाता है कि ये सैफई और इटावा जिले और जसवंत नगर जो सीट है परंपरागत आप लोगों की सीट मानी जाती है, ऐसे में बीजेपी ने अपने मिनिस्टर बघेल साहब को उतारा है, क्या ये चुनौती है आसपास? कोई चुनौती नहीं, कोई नहीं। वो तो इनका जो उम्मीदवार खड़ा किया तो भाग गया था, जो कोई नहीं मिल रहा था तो बैल का बकरा बनाने के लिए आखिरी दिन भेज दिया उसे। कोई चुनौती नहीं, लाखों वोट से हारेगा बीजेपी का उम्मीदवार। और ये वोट बीजेपी को ना देने की वजह क्या मानी जा रही है प्रदेश में? देखिए, बीजेपी में जो योगी सरकार रही है उसमें लगातार सिर्फ लोगों का उत्पीड़न किया है। जो बीजेपी का मतदाता था वो भी बहुत निराश है और उसमें बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है। अब की तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें मतदाताओं ने किसी उम्मीदवार को देखा ही नहीं, सिर्फ अखिलेश के नाम पर वोट दिया, सिर्फ साइकिल देखी, कोई उम्मीदवार नहीं देखा। जिसे हम समझ रहे थे कमजोर उम्मीदवार है वो भी चुनाव जीत रहा है। 2 आरोप आपके ऊपर बड़े गंभीर लगाए हैं बीजेपी ने, इवन प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये बात कहते हैं कि परिवारवाद और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपकी सरकार में सबसे ज्यादा खराब है। ऐसा है कि अब प्रधानमंत्री जो भी आरोप लगाएं जनता उस पर विश्वास कर ही नहीं सकती है कि प्रधानमंत्री ने आज तक जो कहा है वो असत्य ही कहा है, इसलिए कोई इस पर यकीन ही नहीं कर सकती। हमें सफाई देने क्या जरूरत है, जनता ही उनकी बात को ठुकरा रही। क्या संदेश देंगे आज जनता को जो वोट डालने के लिए निकल रहे हैं? जो भी आज वोट डालने जा रहे हैं मतदाता, उन्हें प्रदेश के हित में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साइकिल वाले बटन को दबाकर योगी को सत्ता से बाहर करने का काम करना चाहिए। ये हमारा अनुरोध है सभी मतदाताओं से। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।